इस कैरेक्टर का नाम है इलास्टिक गर्ल, और जैसे कि कैरेक्टर का नाम सजेस्ट करता है, इसकी स्पेशल क्वालिटी ये है कि अपने आप को बहुत स्ट्रेच कर सकती है. शी इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, शी इज़ वेरी इलास्टिक, और ये खुद एक सुपर हीरो है. शी इज़ मैरिड टू अनदर सुपर हीरो जो मिस्टर लाजवाब है, और उनके तीन बच्चे हैं. जो दो बच्चे हैं द ओल्डर वंस, दे ऑलरेडी हैव स्पेशल क्वालिटीज, सुपर हीरो क्वालिटीज. एक जो है लड़की विनीता, वो फोर्स फील्ड्स बना सकती है. दूसरा लड़का जो है तेज़, एज हिज नेम सजेस्ट, वो बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ सकता है. और जो सबसे छोटा बच्चा है, उसकी स्पेशल क्वालिटी सबसे एंड में रिवील होती है. इट्स वेरी स्ट्रेंज, लेकिन जब मुझे डिज्नी से फ़ोन आया कि वो चाहते हैं कि मैं इलास्टिक गर्ल का कैरेक्टर करूं, तो उन्हें कहा, सबसे बड़ा कंसिडरेशन ये था कि उन्हें लगता था मैं थोड़ी थोड़ी इलास्टिक गर्ल की जैसी दिखती हूँ. आई एम गोइंग टू स्टार्ट वेयरिंग माई हेयर लाइक हर एंड पुट ऑन द मास्क ऑल्सो. लेकिन ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो टेलीविजन पर अनफॉर्चुनेटली हमें कभी करने का मौका नहीं मिलता. दे डोंट हैव अ वुमन सुपर हीरो एज येट ऑन टेलीविजन. सो आई एम होपिंग कि इलास्टिक गर्ल के रिलीज होने के बाद मुझे बहुत सारे ऐसे ऑफर्स मिलेंगे एंड आई विल बी एबल टू डू सम किक्स and punches and major stuff like that. But actually, yeah, you're right. एक ऐसा character जो हमने television पर कभी नहीं देखा, क्योंकि मैं television से हूँ. I think it was great because it was an opportunity to immediately do something very different. Well, does it open my doors to Hollywood? I hope it does, but I hope it opens more doors for more dubbing, because हमारी हिंदी फिल्में अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमने कोई फुल लेंथ इतनी मेजर एनिमेशन फिल्म नहीं की है, एनिमेटेड फिल्म नहीं की है. सो आई एम होपिंग कि इतना सारा इंटरेस्ट देखने के बाद, जब शाहरुख खान जैसे इंसान डब कर रहे हैं इस फिल्म के लिए, आई एम होपिंग जिस तरह से हॉलीवुड फिल्में बनाती हैं और उनके कैरेक्टर्स ख़ास तौर से स्केच किए जाते हैं फॉर द लीड एक्टर्स टू बी एबल टू वॉइस फॉर, आई होप कि वैसा ही जल्दी हिंदी सिनेमा में भी होने लगे एंड वी मेक स्पेशल एनिमेटेड फिल्म्स फॉर आवर स्पेशल ऑडियंस हियर.